आपका परिचय बताएं। मैं पुनुराम लीमर ग्राम सिंचुआ से हूँ। क्या परेशानी लेकर आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग मैडम क्या है, आवास के मुद्दा लेकर यहाँ पर आए हुए हैं। जो 2011 के सर्वे सूची में 124 लोगों का नाम था, जिसको रोजगार सहायिका हेमलक्ष्मी चंद्रा का एवं उस समय सचिव पद पर भी था, दोनों कार्यभार संभाल रहे थे, तो उनके माध्यम से 124 लोगों का नाम को काटकर केवल 30 लोगों का नाम लाया गया है। उसमें जो अपात्र है उसको लाया गया है, जो पात्र में था उन लोगों को नाम को काटकर 30 लोगों का नाम को अपने हिसाब से ला दिया है। और ग्राम सभा हुआ, उसमें हम लोगों ने पूछा कि इतने लोगों का पात्र सूची कहाँ है, तो रोजगार सहायिका ने हमको दिखाया नहीं। हम लोग ज़बरदस्ती वहाँ सफाई निकलवाए सचिव महोदय से, तो उन्होंने दिखाया कि 2011 में जो सर्वे सूची हुआ था उसका लिस्ट दिखाइए, तो सचिव मैडम ने निकाल कर दिखाया, तो वहाँ से रजिस्टर से वो पन्नों को फाड़ कर ले गए। इसी मुद्दा को लेकर हम लोग यहाँ पर आए हुए, इतने जनता 3-4-5 बार हो गए हम लोगों को आते आते, लेकिन सीओ साहब ने कहा है कि हम आज करवाएंगे कल करवाएंगे, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। और हम सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है, यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम इस लोकसभा चुनाव का बहिष्कार बिल्कुल करेंगे। आपको किसी द्वारा किसी प्रकार से आवास के लिए कुछ मांगा गया था या किसी प्रकार से कुछ आपको बोला गया था कि ये दो कि आपको आगे बढ़ाऊंगा, ऐसा है क्या? हमको अभी तक कुछ नहीं बोला है, लेकिन गांव से 2-3 लोगों का कहना है कि हम लोगों से पैसा लिया है, पैसा लेकर ये रोजगार सहायक हमारे नाम को लाया।